गुड इवनिंग दोस्तों, आज मेरा व्लॉग हो रहा है शाम के 6 बजे से स्टार्ट, पर ये शाम लग नहीं रही है क्योंकि देखो कितनी भयंकर धूप लगी हुई है। तो चले फिर आज अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा, और जुले आप सभी को मेरा। तो होप आप सबके साथ एकदम बढ़िया होंगे और अपन लोग भी एकदम मस्त है। तो ये देखो ऐसी, मैं तो व्लॉग एडिट कर रही थी, इनका रेस्ट मैंने हराम कर दिया। और नहीं, नहीं, नहीं। वैसे तो आप तो आधा हो गया ना, 3 दिन हो गया। हाँ, 3 दिन हम लगातार जा रहे हैं, हम बरकरार रख रहे हैं अपनी जॉगिंग को कि हम लोग शाम को जाएंगे ही जाएंगे। और आज हम जा रहे हैं शांति स्तूप की तरफ ना, दूसरी जगह, दूसरी जगह पे बहुत दूर से घूम के आने वाले हैं आज। आज बहुत मजा आएंगे क्योंकि रोड ना चौड़ा है, ऐसे ऊपर ऐसे करके ऐसे चौड़ा है। रोज तो पुनः कुछ कुछ खाते जा रहा है, आज मैंने ना कुछ नहीं लेने देंगे उसे, नहीं तो चिप्स और कॉक तो उसके हाथ में होते ही है। आज नहीं खाऊंगी मैं, खाली पानी लेके जाऊंगी। हाँ, वहीं से क्या बोलते हैं उसको, छू लेके जाएंगे। नहीं नहीं, छुमिक, छुमिक से छू लेके जाएंगे। मतलब जो हमारे यहाँ धारा बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं छुमिक, तो वहाँ से हम ठंडा ठंडा पानी लेके जाएंगे। और आज शांति स्तूप के नीचे से राउंड लगा के आएंगे ना। शांति स्तूप आगे ही दिख रहा है, ये देखो ठीक सामने शांति स्तूप है। तो आज सुबह से कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरे को भी जुकाम लग गई, कल वो कोल्ड ड्रिंक भारी पड़ गई मुझे, फ्रिज की ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। और आज सुबह जो हमारे ग्रुप मेंबर्स थे वो भी चले गए हैं, तो हम लोग तब मैं संदीप थोड़ी देर बैठे, उसके बाद रूम पे चले गए, व्लॉग एडिट किया, बस ऐसे ही जा रहे क्योंकि दिन भर में कुछ काम होता नहीं है। दिन में इतनी धूप होती है कि बाहर निकलने का मन भी नहीं करता। और बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि जो आपके साथ लड़कियाँ हैं वो क्या काम करती है, बताओ नूरजोम जी। हम ना होटलों में काम करते, जो भी मिलता है सब कुछ, मतलब हाउसकीपिंग वगैरह जो है वो सारे काम ये लोग देखते हैं, बाहर का संभालते हैं, जब मैनेजर भैया नहीं होते तब रिसेप्शन संभालते हैं, सब कुछ संभालते, मतलब सारा ही काम करते हैं। क्योंकि अभी कितना एक्सपीरियंस हो गया होटल में काम करते करते, 7 साल। देखो 7 साल हो गए इनको काम करते करते, हम दोनों की एज लगभग सेम ही है, बराबर बराबर। तो अभी ना सिस्टर बन गया है, याद हो सिस्टर अभी ना रोज एक ही साथ बैठते हैं ना, तब नहीं दिखाई देगा तो ये समझता है कि वो ठीक है। ये मेरे को उठाने आती है, मैं इसको बोल के रखती हूँ कि सुबह मेरे को उठा दियो 6 बजे या 7 बजे, नहीं उठा रहा है ये, इसीलिए तो इसके खिड़की पे जाना पड़ता है। शर्म कर ये खटखटाती रहती है क्योंकि खाना खाने भी नहीं आते ना कभी कभार। मुझे इतनी भयंकर नींद पड़ जाती है कभी कभी क्योंकि मैं कुंभकर्ण हूँ, मैं पहले ही बोलती हूँ, अगर एक बार नींद लग गई तो भाई कोई मायका लाल नहीं जो मुझे ऐसे उठा देगा। सुबह भूल जाता है क्योंकि हम लोग को 6 बजे उठना पड़ता है, तो ये तो कुंभकर्ण सोया रहता है तो हाँ, क्योंकि 6 बजे काम करते हैं। भाई देख इधर मत आइयो, देख ले यही व्यू है, कुत्तों को देख के बड़ी हालत खराब होती है। हाँ, तभी तो हम दोनों साथ साथ में आते। भाई सेब देखना कितने सारे लगे इस पेड़ में। हाँ, अभी तो ये जो बड़ा हो जाएगा देखना, इतना अच्छा अच्छा खिलता है। तो वही यहाँ आधे से ज्यादा ना लद्दाख में होटल्स में जो है वो लड़कियाँ भी उतना ही काम करती है जितना लड़के काम करते हैं। और आप अगर लद्दाख आओगे ना तो आपको जो ये गाड़ियाँ चलाते हुए कार, मतलब आधे से ज्यादा आपको लड़कियाँ दिखेंगी गाड़ी चलाते हुए भी, लड़के से ज्यादा लड़की करते हैं। हाँ, और भारी भारी सामान भी, भारी भारी होता है, तुम लोग कैसे उठाओगे? हाँ, नहीं हम लोग आधा दे बोले, गेस्ट लोग ऐसा सोचते हैं ना कि सामान नहीं उठा पाएंगे, बट ये भी तो पहाड़ों से ही है, वो भी तब ये सामान लेके जाते तो गेस्ट हैरान होते क्योंकि बाहर के लोग उतना काम नहीं कर पाते ना जितना पहाड़ के लोग कर पाते है ना, स्टेमिना थोड़ा। फिर यहाँ के हाई अल्टीट्यूड है तो सिकनेस ज़्यादा होती है, तो उस वजह से भी सांस फूलना, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, इस वजह से भी बाहर के लोगों को दिक्कत ज़्यादा होती है और यहाँ के लोगों को नहीं होती है क्योंकि आदत पड़ गई है, जैसे हमको वहाँ वाले पहाड़ों में आदत पड़ गई है। और आज यहाँ पे गाय है, ये बंदी है खुली है? ओ माँ कितनी सारी है, तो सब खुली है ये तो? अभी ये अंदर करेगा ना। अच्छा, ये घूम के आई होंगी, चर चुर के आई होंगी। यहाँ से सनसेट का व्यू बड़ा मस्त आता है तो इसलिए नूरजोम यहाँ पे आई है। अभी हम लोग छुमिक में पहुंच गए हैं, यहाँ से ठंडा ठंडा पानी भरते हैं और फिर चलेंगे। अभी हमने एक आधी रील्स बनाई जिसमें मैंने डांस किया है।
आज पानी में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे देखो, क्योंकि बीच में बहुत स्नोफॉल हुआ था, ठंडा भी हुआ था यहाँ पे, पर अब गर्मी फिर से स्टार्ट हो गया है, तो जितना भी बर्फ है ऊपर का वो पिघल के नीचे आ रहा है, इसलिए आज यहाँ पे पानी बढ़ा हुआ है। आज हम लोग, पिछली बार हम लोग यहाँ गए थे, आज हम लोग इधर को जाएंगे ऊपर शांति स्तूपा की तरफ को। क्यों ब्रो? तो रोड के साइड में यहाँ पे माने हैं ना, तो रोड से क्रॉस नहीं करते, इसका एक चक्कर लगा के क्रॉस करते हैं। ये हर माने की कहानी है यहाँ पे, जब भी आप माने से जाओ तो ऐसे क्रॉस करके जाना पड़ता है, मतलब उनका चक्कर लगा के। लो रोड पे पहुंच गए। लो भाई, थोड़ा सा रास्ता क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंच गए शांति स्तूपा के ठीक नीचे, वो है शांति स्तूपा। आपको याद होगा पिछली बार मैं, पुनीत, छोटी, लाचिक, हम लोग पैदल पैदल यहाँ से सीढ़ियों के रास्ते शांति स्तूपा गए थे। ये है पैदल रास्ता यहाँ से ऊपर जाने का, आप लोग भी जा सकते हैं पैदल पैदल, मजा आता है। और ये देखो रोड के नीचे आलू की खेती कर रखी है पूरी। तो हम लोग जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं ना, ऐसे ऊपर को चढ़ाई लगती जा रही है, हम चढ़ाई में जा रहे हैं। हाँ, हमें पसीना स्टार्ट हो गया है। मुझे तो पसीना होता ही नहीं है, पता है क्यों? कुछ भी कर लो नहीं होता पसीना, पता नहीं होता है, पानी नहीं पीती मैं, कम पानी पीती ना, इसलिए पसीना होना बहुत जरूरी है। और रोड के साइड पे यहाँ पे देखो एप्रिकॉट के पेड़ है। सेमे नामग्याल मॉनेस्ट्री में धूप लगी है बहुत तेज। ट्रक देख के मजा आया यहाँ। और ये है यहाँ का बैल जिसको जो बोला जाता है, जो लद्दाखी लैंग्वेज में, हाँ जो बोलते हैं जो। हम लोग घूमते घूमते एक घंटा हो गया हमको, और एक घंटे में हम लोग यहाँ परसों वाले पुल में पहुंच गए। देखो ये है अपना पुल, और ये है यहाँ पे प्रेयर व्हील जिसको हम माने गा के जाएंगे। ओ माने पद्मे होम, 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 ओ माने पद्मे होम। चलो अच्छा लगता है। और वर्कर्स की ड्यूटी अभी खत्म हो गई है, तो सब जा रहे देखो ट्रक में लद के। रास्ते में एक और प्रेयर व्हील पड़ती है। ये दीवाल का डिजाइन देखना कितना अच्छा बनाया है, बड़े पत्थर बीच में छोटे छोटे पत्थर। इसे ही कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि डिजाइन के लिए टाइल्स वगैरह हो या अच्छी अच्छी वो हो, आप पत्थर, मतलब अगर इंसान पे दिमाग है तो, और उसकी आर्ट अच्छी है, उसका सोचने का तरीका अच्छा है, तो वो किसी ने भी कुछ भी बना सकता है। सोचो सिंपल पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर, और इनके बीच में छोटे 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 काले पत्थर, वो करके डिजाइन बना रखा है पूरा, सबसे मस्त लग रहा है यहाँ पे। अभी तक नहीं देखा मैंने, मैंने भी नहीं देखा, गांव में करते हैं पर वो थोड़ा अलग से करते हैं। और ये देखो बाहर की दीवार में कुछ ऐसे कर रखा है कि पत्थर पत्थर लगे और बीच में मिट्टी मिट्टी डाली है सपोर्ट के लिए। तो अभी हम लोग रीनम होटल के पास पहुँच गए हैं, जहाँ नोरजोम पहले जॉब किया करती थी, अपने पुराने अंकल जी से मिल रही है। जा अपने होटल में जा, मन भी मिल गयो। ये हमारा तीसरा माना है आज शाम का।